हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जेनेटिक्स का लेक्चर 3 है। इससे पहले लेक्चर 2 तक हमने एलीलिक और नॉन एलीलिक जीन कंप्लीट किए थे, इंटरेक्शन एलीलिक और नॉन एलीलिक जीन के बीच में। अब हम आज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से ही हमें पता चल रहा है, पॉली मतलब मैनी और जेनिक मतलब जीन। जब कई सारे जीन हो और उनके इनहेरिटेंस की बात हो, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक जीन, एक कैरेक्टर जो होता है, एक कैरेक्टर मोर देन वन जीन से कंट्रोल होता है। मोर देन वन जीन से अगर कंट्रोल होता है तो हम उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना। एक से ज्यादा जीन होंगे लेकिन कैरेक्टर एक ही होगा, तो उस एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन होंगे और वो जो जीन है वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट होंगे, एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो हमें जो एक से ज्यादा जीन है तो फिनोटाइप कैसे पता चलेगा? फिनोटाइप हमें 2n+1 से पता चलेगा। एन क्या है? एन यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलीजीन है कि कितने पॉलीजीन किसी वन पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिक्वायर्ड है, तो उससे हम उसके फिनोटाइप पता कर सकते हैं कि कितने फिनोटाइप बनेंगे, ठीक है। वहाँ मल्टीपल एलीन में n(n+1)/2 था, है ना, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ 2n+1 है, तो 2n+1 से हम नंबर ऑफ पॉलीजीन पता कर सकते हैं। अब देखो, तीनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। एक तो मल्टीपल एलील था, मल्टीपल एलील में क्या था, मल्टीपल एलील के अंदर किसी भी कैरेक्टर के एक एक जीन के कई सारे एलील थे, मेनी एलील्स थे, ठीक है। एक जो था प्लियोट्रॉपिक जीन था, प्लियोट्रॉपिक प्लियोट्रॉपिक जीन के अंदर जो था वो एक जो जीन था वो कई सारे कैरेक्टर्स, मैनी कैरेक्टर्स, है ना, मैनी कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था। एक से ज़्यादा कैरेक्टर को अगर कोई जीन कंट्रोल करता है तो हमें उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। यहाँ पॉलीजेनिक है ना, पॉलीजीन है। पॉलीजीन का मतलब जीन कई सारे हैं, कैरेक्टर एक है ना, वन कैरेक्टर एंड मैनी जीन। तो एक से ज़्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को अगर कंट्रोल करते हैं तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। व्हीट का कर्नेल कलर जो होता है वो, मतलब व्हीट के दाने का कलर जो है वो दो जीन से, माना कि वो दो जीन ए और बी है, इन दो जीन से कंट्रोल होता है। अगर ये कंडीशन होती है तो वो जो है ब्राउन कलर का होता है, ना। और अगर सारे रिसेसिव होते हैं तो वो वाइट कलर का होता है, और इनके बीच में सारे इंटरमीडिएट आ जाते हैं, इंटरमीडिएट आ जाते हैं। जो गेरुआ कलर होता है, गेहुआ कलर होता है गेहूं का, वो सब इंटरमीडिएट कलर होते हैं, है ना। इंटरमीडिएट में कौन कौन से, कैसे इसका जीनोटाइप हो सकता है? देखो, कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना, कैपिटल है स्मॉल बी स्मॉल बी, है ना, स्मॉल ए कैपिटल बी, तो इस तरीके से कई सारे बीच के इंटरमीडिएट जो है वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल पॉलीजीन का ये है कि इसमें एक से ज़्यादा जीन, मतलब दो जीन जो है इंक्लूड होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही स्किन कलर अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ भी तीन जीन जो होते हैं वो स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। माना कि वो ये हैं, ये मैं मान रहा हूँ केवल, ठीक है, ए ए बी बी सी सी, ये बिल्कुल निग्रो कलर आता है। अगर टोटल डोमिनेंट जीन अगर किसी के अंदर तीनों जीन डोमिनेंट अवस्था में हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक होता है, ठीक है। और अगर तीनों जीन जो बिल्कुल रेसेसिव फेज में होते हैं तो वो वाइट होता है,
वो पर्टिकुलर इंसान वाइट कलर का होता है। तो एक से निग्रो हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, एक से वाइट हो रहा है, और बाकी जो हम इंडियंस हैं वो सब कहीं इनके बीच में स्टैंड करते हैं। ठीक है, स्टैंड करते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से हमारा जीनोटाइप हो सकता है, कई सारे जीनोटाइप्स बन सकते हैं, है ना। तो इसमें फिर कई सारे कलर आते हैं, वेरी डार्क ब्राउन है ना, मुलेटो, तो इस तरीके से कई सारे कलर बीच में आ जाते हैं और वो कलर डिसाइड होता है। और ये इसके अलावा एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि हमें पता है स्किन कलर, अगर हम ज़्यादा सनलाइट में रहेंगे तो सनलाइट में रहने से क्या होगा, मेलेनिन जो है वो हमारी स्किन पे बाहर आ जाएगा और वो हमें ज़्यादा ब्लैक कर देगा। तो इस कारण, इस तरह से ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसका मतलब है कि कोई भी एक से ज़्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को अगर कंट्रोल करते हैं तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, मल्टीपल एलील, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपिक जीन, ये तीनों अलग अलग है, इनमें डिफरेंस है वो बिल्कुल याद रखना। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, अच्छा इससे पहले हमें समझना पड़ेगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक जीन कौन कौन से होते हैं, कैरियोजीन कौन कौन से होते हैं। देखो, ये हमारी कोई सेल है, दिस इज ओवर सेल, है ना, ये मान लो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, सब जानते हैं एक लिक्विड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या वो क्लोरोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट हो, है ना, एक सेकेंड, या फिर कई कई जो भी राइबोसोम है ना, गॉल्जी बॉडी है, वैक्यूल है, वो सारे ऑर्गेनिल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद हमारे बीच में जो है एक न्यूक्लियस होता है सेल का, हेड जो होता है दैट इज न्यूक्लियस, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसी के अंदर हमारा डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कैरियोजीन, इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड कैरियोजीन। कैरियो का मतलब होता है, ये कैरियो जो टर्म है ना, ये न्यूक्लियस के लिए यूज ली जाती है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको हम कैरियोप्लाज्म कह देंगे, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसे हम कैरियोकाइनेसिस कह देंगे। तो कैरियो टर्म न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे जीन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो कैरियोजीन कहलाते हैं। अब इस डीएनए और इस जीन के अलावा, इस क्रोमोजोम के अलावा, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर भी, एक बार के लिए मैं रफ कर देता हूँ, साइटोप्लाज्म के अंदर भी जीन पाए जाते हैं, है ना, उसको हम साइटोप्लाज्मिक जीन कहते हैं। ये या तो जो वो डीएनए है जिसमें जीन है वो या तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, या किसी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन उनको कहते हैं जो खुद का डीएनए अपने रखते हैं, डीएनए रखते हैं, राइबोसोम रखते हैं, अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऐसे हैं जो खुद का डीएनए रखते हैं। तो इस तरीके से ऐसे जीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको हम साइटोजीन कहते हैं, साइटोजीन, देखो ये लिखा साइटोजीन है, प्लाज्मोजीन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन है। ठीक है, और टोटल साइटो, टोटल जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म,
उसको हम कहते हैं प्लाज्मोन। तो प्लाज्मोन जो टर्म है वो इसके लिए है कि टोटल जो जीन प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में उसको हम प्लाज्मोन कहते हैं। तो दो टाइप के जीन हो गए, कैरियोजीन हो गए और प्लाज्मोजीन हो गए, है ना, या प्लाज्मा जीन हो गए, तो जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझते हैं। इतना समझने के बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये है, देखो जो जीन न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं वो तो इनहेरिटेंस करते ही है, हम जानते हैं कि वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म वाले जीन है ये भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ये जो जीन पर्टिकुलर जीन है ये भी जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक खास बात है कि ये जो देखो, अगर ये मान लो एक सेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, ये फीमेल की सेल है, ये मेल की सेल है, ये मेल के जीन है या डीएनए है, इन दोनों में जब क्रॉस होगा, जब इनकी प्रोजेनी बनेगी, है ना, प्रोजेनी बनेगी, तो इस प्रोजेनी या इस संतान का जो जीन होंगे कैरियोजीन, वो तो दोनों से आएंगे, ठीक है, मेल से भी आएंगे फीमेल से भी आएंगे, लेकिन इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होगा वो केवल फीमेल से आता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म ओनली केवल फीमेल से इनहेरिटेट होता है। अब फीमेल से आ रहा है तो क्या होगा कि फीमेल के साइटोप्लाज्म के वाले जीन सब फीमेल के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर जो साइटोजीन या साइटोप्लाज्म वाले जीन से कंट्रोल हो रहे हैं वो सब कैरेक्टर इस अगली प्रोजेनी में आ जाएंगे। मेल के अंदर जो जीन होते हैं वो इनहेरिटेट नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म मेल का नहीं आता है ना, फीमेल का ही साइटोप्लाज्म आगे इनहेरिटेट होता है। तो इसका साइटोप्लाज्म इनहेरिटेट होने से इसके अंदर के जो जीन है वो इसकी प्रोजेनी में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो साइटोप्लाज्मिक जीन से कंट्रोल होते हैं वो कैरेक्टर इनहेरिटेट जब होते हैं तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस। मिराबिलिस जालापा जो है, फोरोक्लोक प्लांट, या फिर उसको हमने गुलेबास कहा था, उसमें जो लीफ कलर होता है, लीफ कलर कैसे आता है, लीफ कलर प्लास्टिड के कारण आता है, और जो प्लास्टिड के जीन है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो एक तो पेल कलर होता है और एक ग्रीन कलर होता है। अगर मान लो फीमेल जो है पेल कलर की है और मेल अगर ग्रीन कलर का है, साइन उल्टा बना दिया, पेल कलर की अगर फीमेल है और ग्रीन कलर का अगर मेल है, तो इनकी जो प्रोजेनी आएगी उस प्रोजेनी में भी पेल कलर आएगा, ठीक, क्योंकि फीमेल के अकॉर्डिंग आता है, पेल कलर के जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं तो पेल कलर आएगा। अगर इसको हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल क्रॉस, फर्स्ट क्लास सॉरी सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस में हम यही तो करते थे। अब हम पेल कलर का मेल ले लेंगे, ग्रीन कलर की फीमेल ले लेंगे, तो फिर जो F1 प्रोजेनी आएगी या फिर जो इनकी संतान होगी वो कैसा, ग्रीन कलर की होगी, है ना। तो इस तरीके से ऐसे ही मेल स्टरलिटी, इन मेज मेज के अंदर स्टरलिटी भी होती है, वो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। एल्बिनिज्म प्लांट, प्लांट के अंदर अगर एल्बिनिज्म हो जाए, कलर नहीं आता है, तो वो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस ऑफ दो जीन या दैट जीन विच इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, है ना, और ये मातृ सत्तात्मक होती है, मदर इनहेरिटेंस कहलाता है, क्योंकि मदर से ही आता है साइटोप्लाज्म। इस तरीके से नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है लिंकेज का कॉन्सेप्ट आता है। लिंकेज जो है वो मेंडल का जो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट था उसका एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। लिंकेज का मतलब होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है उनमें कुछ फिजिकल एसोसिएशन हो जाता है। देखो कैसे, मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, इस पे ये दो जीन प्रेजेंट है, ना, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तो उसका पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, है ना, क्रोमोसोम के पेयर है, एक एक ही क्रोमोसोम है, ये इसके एलील है जो, ठीक है। अब ये दो जो जीन है ये आपस में इतना इनमें मोह हो जाता है कि ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं,
तो आगे जब इनहेरिटेंस होता है तो ये बिल्कुल एक दूसरे से दूर ही नहीं होते हैं, है ना, ये लिंकेज होता है। जबकि मेंडल ने हमें क्या कहा था, मेंडल ने हमें कहा था कि अगर ऐसे दो जीन डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हमने करा था, मान लो ये हमने ले लिया, ये ले लिया, इसका एलील ले लिया, जब हम इसके गेमिट बनाएंगे तो हम कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, है ना, इन दोनों के जब हम गेमिट बनाएंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, चार तरीके के गेमिट बनेंगे। तो इस गेमिट में हमने देखा क्योंकि यहाँ कोई लिंकेज नहीं था इसलिए ये ए इस बी से भी हुआ, ए इस बी से भी हुआ, यहाँ ये बी है, ठीक है, तो और ये ए इससे भी हुआ और ये बी इससे भी हुआ, तो यहाँ कोई भी लिंकेज नहीं था। लेकिन यहाँ देखा कि ये दोनों बिल्कुल ऐसे लिंक थे कि इन्होंने मना कर दिया, हम अलग ही नहीं होंगे, किस कुछ भी कर लो, तो ये लिंकेज कहलाता है ना। इसकी खोज जो है मॉर्गन ने की थी ड्रोसोफिला में, और मॉर्गन ने ही ये टर्म दिया था लिंकेज, लिंकेज टर्म भी मॉर्गन ने ही दिया था। अब देखो यहाँ दो अरेंजमेंट होते हैं किसी भी जो लिंक्ड जीन होते हैं उनके दो अरेंजमेंट पाए जाते हैं, एक सिस अरेंजमेंट होता है, एक ट्रांस अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सिस अरेंजमेंट जो होता है, देखो सिस अरेंजमेंट के अंदर ये मान लो कि दो जीन है, दोनों डोमिनेंट जीन एक तरफ होते हैं और सिस अरेंजमेंट कहते हैं जब दोनों डोमिनेंट जीन एक तरफ हो और दोनों रिसेसिव जीन एक तरफ हो, दैट इज सिस अरेंजमेंट कहलाता है। इसके अलावा एक ट्रांस अरेंजमेंट होता है लिंक जीन में, ट्रांस अरेंजमेंट होता है कि जब एक का डोमिनेंट और एक का रिसेसिव, दूसरे का रिसेसिव और दूसरे में डोमिनेंट, अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट है तो वो ट्रांस अरेंजमेंट कहलाता है। मतलब कि सिस और ट्रांस अरेंजमेंट है, ठीक है, तो अगर दोनों के डोमिनेंट एक तरफ होते हैं, एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सिस होता है, दूसरा ट्रांस होता है। अब लिंकेज ग्रुप क्या होता है, लिंकेज ग्रुप का है कि जो हैप्लोइड क्रोमोसोम की नंबर होते हैं, हैप्लोइड क्रोमोसोम के नंबर जितने हैप्लोइड क्रोमोसोम होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे, तो लिंकेज ग्रुप बराबर हैप्लोइड क्रोमोसोम। अच्छा लिंकेज कैसे टूट सकता है, ये दोनों जीन अगर लिंक है तो कैसे टूट सकते हैं, ये लिंकेज जो है क्रॉसिंग ओवर से टूट सकता है, क्रॉसिंग ओवर से टूट सकता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, सेल डिवीजन के अंदर जब मियोसिस होता है तो जब मियोसिस होता है तो क्या होता है कि जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने अलग अलग टुकड़ों को एक दूसरे से ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना, इसका छोटा सा टुकड़ा यहाँ से टूट के इसमें चल जाएगा और इसका इसमें आ जाएगा, ताकि न्यू रिकॉम्बिनेशन आ सके, न्यू कैरेक्टर्स आ सके, तो ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जब होता है, मान लो ये जीन यहाँ से अगर टूट गया तो ये ए और बी दोनों अलग हो जाते हैं, इस कंडीशन में ही लिंक्ड जीन अलग होते हैं, बाकी लिंक्ड जीन कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो लिंकेज के बारे में अगर बात करूं, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो अगर लिंकेज बढ़ेगा या तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर बढ़ा तो लिंकेज बढ़ेगा। इसके अलावा लिंकेज जो होता है वो भी डिस्टेंस जो होती है दोनों जीन के बीच में, डिस्टेंस का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब लिंकेज अगर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो लिंकेज कम हो जाएगा, है ना, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी। तो इस तरीके से लिंकेज जो है वो काम करता है, वो न्यू कैरेक्टर्स को नहीं आने देता है, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को ही शो करते हैं। अगर कोई दो कैरेक्टर है उसमें अगर लिंकेज हो रहा है, दो जीन है उनमें अगर लिंकेज हो रहा है, तो वो न्यू रिकॉम्बिनेशन नहीं आ पाएंगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और वो दोनों के दोनों जैसे पेरेंट में थे वैसे के वैसे ही कैरेक्टर प्रोजेनी के अंदर शो करते हैं। अब एक होता है कंप्लीट लिंकेज,
कंप्लीट लिंकेज, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज के अंदर तो जब लिंकेज 100%, 100% अगर लिंकेज है तो वो कंप्लीट लिंकेज कहलाएगा, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं है। और इनकम्प्लीट लिंकेज जब क्रॉसिंग ओवर जो है लेस देन 50% पाया जाता है तो उसे हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। इसमें न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेशन आते हैं, तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिंकेज। अब क्या होता है, ये लिंकेज जो है वैसे तो ऑटोसोम पर होते हैं, लेकिन कुछ जो कैरेक्टर होते हैं उनके जीन एलोसोम पर या सेक्स क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट होते हैं। एलोसोम और ऑटोसोम क्या है, हमारे अंदर 46 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमंस के अंदर। 46 का मतलब 23 पेयर्स है, पेयर के अंदर होते हैं, ये बात सब जानते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे पेयर के अंदर होते हैं, दिस इज वन क्रोमोसोम पेयर, दिस इज सेकेंड क्रोमोसोम पेयर, तो ऐसे 23 क्रोमोसोम पेयर होते हैं, टोटल 46 होते हैं। इस 46 में से, 46 में से 44 जो है वो तो ऑटोसोम होते हैं, है ना, कायिक गुणसूत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और दो जो है वो एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। सबको पता है अगर एक्स एक्स आ जाते हैं तो फीमेल होती है, और एक्स और वाई आ जाता है तो मेल बनती है। ठीक है, तो दो क्रोमोसोम है, ऑटोसोम और एलोसोम। यहाँ हम लिंकेज जो ये बात कर रहे थे, ये ऑटोसोम की बात कर रहे थे, है ना, कि अगर ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम पर कोई जीन अगर लिंक है तो हम उसकी बात कर रहे थे। लेकिन कभी कभी कुछ जीन जो एलोसोम पर प्रेजेंट है या सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उनमें भी लिंकेज पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं, थोड़ा ब्लैंक में चले जाते हैं, उसको सेक्स लिंकेज। देखो सेक्स लिंकेज क्या होता है, ऐसे जीन का लिंकेज जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। हमारे अंदर हम जानते हैं 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में से 44 तो हमारे ऑटोसोम है और दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई। एक्स एक्स जब आता है तब फीमेल बनती है, और एक्स वाई जब आता है तब मेल बनता है, ये हम जानते हैं। तो ये ऑटोसोम वाले जो जीन थे, जो जीन ऑटोसोम पर प्रेजेंट थे उनके लिए हमने लिंकेज देखा। अब लिंकेज ऐसा जो किसके पर प्रेजेंट हो, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है उनमें अगर लिंकेज पाया जाता है तो उसे हम सेक्स लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप से होता है, या तो एक्स जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे कोई जीन जिनमें लिंकेज पाया जाएगा, या वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन का एग्जांपल अगर हम बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस, है ना, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर समझ में नहीं आता है ना, रेड कलर है, वाइट कलर है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक कैरेक्टर होता है, एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो होता है इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं बनती है, और ब्लड क्लोट नहीं बनने के कारण जो खून का बहना है वो नहीं रुकता है ना, इसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। ब्लड क्लोट नहीं बनने के कारण इस पर खून का थक्का नहीं बनता है, इसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। इसके अलावा इसके जो क्रोमोसोम है वो, इसके जो जीन है वो रेसेसिव जीन होते हैं और एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। हीमोफीलिया भी दो टाइप का होता है, एक हीमोफीलिया ए होता है, एक हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया ए जब होता है कि जब जो हमारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 अगर नहीं होगा, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 के एब्सेंस में हीमोफीलिया ए होता है, और हीमोफीलिया बी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 के एब्सेंस में होता है।
है ना। ये फैक्टर क्या है, किसी ब्लड क्लोटिंग करने के लिए हमारे अंदर, बॉडी के अंदर कई सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। अब इन फैक्टर में से अगर एक भी फैक्टर नहीं होता है तो हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है ना। ड्रोसोफिला की आई कलर, ड्रोसोफिला का आई कलर, ड्रोसोफिला आई कलर, ये भी एक्स एक्स लिंकेज का एग्जाम्पल है। ड्रोसोफिला का जो मेल होता है ना, मेल ड्रोसोफिला, उसमें तो लिंकेज ही पाया जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है, क्रॉसिंग ओवर ही एब्सेंट होता है ना। तो इसको एक्स क्रोमोजोम लिंकेज हमने देखा। इसके अलावा वाई क्रोमोजोम का लिंकेज, ऐसा लिंकेज, ऐसे जीन का लिंकेज जो वाई क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है। वाई क्रोमोजोम मतलब जो पर्टिकुलर मेल के अंदर पाया जाता है ना। तो मेल क्रोमोजोम पर, मेल सेक्स क्रोमोजोम के अंदर जो जीन प्रेजेंट है उनका लिंकेज वाई क्रोमोजोम लिंकेज कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस मतलब एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर, कान के अंदर जब ज्यादा बाल आ जाते हैं ना तो उसको हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। वो वाई क्रोमोजोम लिंक कैरेक्टर होता है, ठीक है, वो मेल्स के अंदर पाया जाता है। तो ये सेक्स लिंकेज होता है। अब इस सेक्स क्रोमोजोम पर जो भी कैरेक्टर पाए जाते हैं उनका इनहेरिटेंस दो टाइप से होता है। एक तो क्रिसक्रॉस इनहेरिटेंस होता है, क्रिसक्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिसक्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं, तीसरी जनरेशन में किसी कैरेक्टर का जाना। जैसे कोई फादर है, फादर में कोई पर्टिकुलर डिजीज है, तो इससे इसके जब बेटा होगा या पुत्री होगी, डॉटर होगी, उसमें वो नहीं जाएगा, वो केवल वेक्टर का काम करेगी, उसमें वो डिजीज नहीं होगी। लेकिन उसका जब सन या डॉटर होगी, है ना, नहीं सन में नहीं, क्योंकि फादर से अगर जा रहा है तो ये डॉटर में जाएगा, डॉटर में जा रहा है, ठीक है। तो फादर से डॉटर के अंदर, वो भी ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के अंदर, हाँ डॉटर के अंदर नहीं, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के अंदर अगर कोई कैरेक्टर पास होता है तो उसे हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना। अगर यहाँ मदर होगी पहले, तो मदर की भी कोई सन या डॉटर पैदा होगा, उसमें ये नहीं जाएगा। इसके बाद ये इसकी जो सन होगा तो ये इसमें चले जाएगा, ये जो डिजीज है जो इस मदर के पास थी वो इसके ग्रैंड सन में हो जाएगी। तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर में किसी पेरेंट से अगर कोई पर्टिकुलर जीन जो डिजीज पैदा कर रहा है वो जाता है तो उसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। एक नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। नॉन क्रिस क्रॉस के अंदर क्या है कि इसमें जनरेशन गैप नहीं होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ही डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी, फादर से सन में, सन से फिर उनके सन में, जैसे फादर से डॉटर में तो फादर डॉटर से उनके सन या डॉटर में, ठीक है। तो ये नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। इसके बाद दो टर्मिनोलॉजी और आती है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, वो और हम देख लेते हैं। एक होता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, और एक होता है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर उसको कहते हैं जो तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स में पाया जाता है ना। इसके जीन जो है वो तो दोनों सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी एक सेक्स में, एक सेक्स में ही शो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बियर्ड, जो मूछे आती है, दाढ़ी आती है, वो केवल मेल के अंदर आती है ना। तो ये ऐसा कैरेक्टर है जो सेक्स लिमिटेड है, किसी एक सेक्स के अंदर ही लिमिटेड है। इसके अलावा आवाज का भारीपन मेल का कैरेक्टर है ना। बालों जो हेयर ग्रोथ है वो ज्यादा होना, वो फीमेल का कैरेक्टर है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्स में पाए जाते हैं वो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहलाते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर कौन से होते हैं? ऐसे कैरेक्टर जो सेक्स हार्मोन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर सेक्स इन्फ्लुएंस कहलाते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में शो होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाल्डनेस, जो गंजापन होता है, बाल्डनेस जो होती है वो सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का एग्जाम्पल है। जैसे अगर कैपिटल बी, कैपिटल बी मान लो ये मेल है ये फीमेल है ना, इनको हम देख लेते हैं। कैपिटल बी में कैपिटल बी अगर आ जाता है तो इसमें
ये भी बाल्ड होगा, मतलब मेल भी गंजा होगा, फीमेल भी गंजी होगी। स्मॉल भी आ जाता है, तो ना ये गंजा होगा ना ये गंजा होगा। लेकिन कैपिटल भी स्मॉल भी आ जाते हैं, मतलब हेट्रोजाइगट कंडीशन में आ जाते हैं, तो केवल मेल गंजा होगा, फीमेल गंजी नहीं होगी। तो यहाँ जो है ये एक मेल के अंदर क्या हो रहा है, मेल जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है, पर्टिकुलर सेक्स एक्स इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ सेक्स हार्मोन के कारण टेस्टोस्टेरोन जो है उसी के कारण यहाँ ये इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर कहलाते हैं। तो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर वो जो किसी एक सेक्स में पाए जाते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर वो ऐसे कैरेक्टर जो किसी सेक्स हार्मोन में, सेक्स हार्मोन से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।